आओ सुनाए तुमको बातें बहुत पुरानी है, दास्तान कश्मीर की नसीहत भरी कहानी है। हमने सुनी है अपने अपने पुरखों की जबानी, है दास्तान कश्मीर की कामयाबी की निशानी। दस्तकारी हुनरमंदी में हम नंबर वन बनेंगे, एक बादशाह ने ठान लिया कुछ ऐसा ही करेंगे। हैरत से देखेंगे सभी और सब लोग यही कहेंगे, दुनिया में सबसे आला कश्मीर की चीज़ ही लेंगे। बादशाह ने सारे जहां से शाल कालीन मंगवाए, सबको दिखा के कश्मीर में एक ऐलान करवाए। इससे भी अच्छा काम हमें करना है लोगों, हो मेहनती हुनरमंद तुम अपना रोजगार बनाना। जमा हुई एक भीड़, आई पूरी आवाम, सब ने मिलकर कहा करेंगे हम भी थोड़ा सा काम। रोशन होगा सारे जग में कश्मीर का नाम, शहनशाह भी नाज करे ऐसा बने मुकाम। लेकिन कुछ दरबारी थे उस्तादों के उस्ताद, लेकिन कुछ दरबारी थे उस्तादों के उस्ताद, था तकब्बुर अपने फन पर उनको बेशुमार। औरत में तो होती नहीं ऐसी वो बात, हुनर से क्या लेना देना उनकी औरत जा। उनका काम है घर में रहना और खाना पकाना, वो क्या जाने क्या होता है हुनर का पैमाना। तो दरबारियों ने कहा बकरे बकर वाले घुमड़ कर तू जा, कारीगरी और नक्शकारी तुझको क्या पता। अरे तिजारत करने वाले तो ठहरा ताजिर, तुझको क्या मालूम तू क्या जाने तामीर। लकड़ी लोहे चमचा चमट वाले क्या करेंगे, हम ठहरे उस्ताद हुनर के हम ही काम करेंगे। अपनी अकड़ और घुमड़ में चूर थे दरबारी, बैठे बनाने पश्मीना के शाल बेहतरीन वाले। सोच रहे थे लाए कहाँ से ऊन मुलायम वाली, उनके पास नहीं थी बकरी ऊंचे पहाड़ों वाली। हफ्ता बीता उलझन में वो समझ नहीं कुछ पाए, बादशाह ने जब बुलाया डर के मारे थर्राए। दरबारी उस्तादों की गर्दन झुकी हुई थी, बादशाह समझ गया बातें कहाँ रुकी थी। और फिर बादशाह सलामत ने कहा आप सभी होंगे हुनर में उस्तादों के उस्ताद, लेकिन अकेले क्या करेंगे जब कोई नहीं है साथ। औरतों का खारिज करना सबसे बड़ा खसारा है, हर मशहूर दस्तकारी को उन्होंने ही संवारा है। बाग बगीचे हुनर सलीके सब में उनका सहारा है, आधी आबादी इसमें उनकी ये जो मुल्क हमारा है। ये चांद ये तारे हर मौसम में प्यारे, ये बादल ये बिजली ये फूल ये तितली, चरिंदे परिंदे वो पानी की मछली, चरिंदे परिंदे वो पानी की मछली। शहद को बनाती जो मक्खी है वो भी, हमें जो नज़र न आता है वो भी। सभी हैं बराबर नर हो या मादा, सभी का फर्ज और हक आधा आधा। सभी के सहारे पे दुनिया टिकी है, अकेले ही जीना तो मुमकिन नहीं है। हुनर भी अकेला नहीं खिल सकेगा, बिना दागे कपड़ा भी ना बन सकेगा। गलत सोच होगी तो मुश्किल पड़ेगी, सही रास्तों पर मंजिल मिलेगी। गुरूर तकब्बुर मिटा कर तो देखो, दिलों को दिलों से मिला कर तो देखो। तो दरबारी उस्तादों ने माफ़ी मांगी और कहा बादशाह सलामत हमें माफ़ कीजिए, सुधारेंगे गलती, एक मौका तो दीजिए। दरबारी उस्तादों के उस्ताद होश में आए, अपने गुरूर तकब्बुर पर गौर किया और पछताए। फिर से ऐलान किया, लोग दोबारा आए, सबसे गुनाह की माफ़ी मांगी, अपने साथ बिठाया। ये दास्तान बड़ी लंबी है, अभी यहीं रुक जाता हूँ, पश्मीना की शान शौकत अगली बार सुनाता हूँ।